हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे आ रखा हूँ एल्डर पार्क में, साथ में एडिलेड कन्वेंशन सेंटर भी लगता है जो आप मेरे पीछे यहाँ पे अब देख सकते हो। तो ये एडिलेड कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे आपको काफ़ी खाने पीने की शॉप्स वगैरह भी मिल जाएगी, खुली होती है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है और काफ़ी अच्छा माहौल बना होता है यहाँ पे शाम के टाइम पे। अभी आजकल क्राउड थोड़ा सा कम है, पर यहाँ पे बार क्लब्स वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। कुछ सामने हमारे यहाँ पर एक वो आता है, स्टेडियम आता है, तो एडिलेड स्टेडियम मान लो या एडिलेड ओवल कहते हैं उसको यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और काफ़ी स्पोर्ट्स के इवेंट डेफिनेटली कंडक्ट होते हैं वहाँ पर, और अभी फ़िलहाल बंद है। तो अभी जब होगा तो हम प्रॉब्ली कोशिश करते हैं इसको कवर करने की, तब तक हम और लोकेशन को कवर करेंगे जितनी भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में खुलनी स्टार्ट होगी है। आज का मेरा प्लान था कि मैं आज जाऊंगा और एविएशन म्यूज़ियम कवर करूंगा, पर किसी कारण वो कवर कर नहीं पाया, और फिर मैंने सोचा कि डॉल्फिन सेंचुरी में जाता हूँ और वो भी पॉसिबल हो नहीं पाया, तो फिर मैं लैंड अप हुआ यहाँ पर आके। तो टाइम वेस्ट किए बिना तो आज हम इसको घूम लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अलग अलग लोकेशंस को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स, किचन, बार वगैरह मिल जाएगा, और यहाँ पे सामसी को काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ होता है और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मतलब क्राउडेड प्लेस है ये, वन ऑफ द मोस्ट। और सुबह के टाइम पे लाइक जैसे सुखना लेक में लोग जॉगिंग के लिए आते हैं, तो मान के चलो ये जो एडिलेड में सिटी में लोग रहते हैं उनके लिए सुखना लेक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्राउड मिल जाता है, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि ये बार एंड किचन है, यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे आपको ऐसे, और काफ़ी अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, आपको अलग अलग वैरायटीज मिल जाएगी खाने के मामले में भी। और तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ। तो जो आप मेरे पीछे रिवर देख रहे हो, यही टोरेंस रिवर है जिसके बारे में मैं कल आपसे बात कर रहा था, जो बोटैनिकल गार्डन में, जिससे पूरे उसकी मेंटेनेंस होती है, प्लांट्स एंड जितने भी वहाँ पर हम देख सकते हैं फाउंटेन्स वगैरह, वो सभी इसी रिवर से मेंटेन होते हैं, और यही पानी यहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है अलग अलग रीजन्स में। तो आप यहाँ पे ज़्यादातर हरा भरा एरिया देख सकते हो, और यहाँ पे प्लांट्स वगैरह और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी आपको बाहर लगी हुई, और काफ़ी पार्क्स हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पार्क्स हैं जहाँ पे आके लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ पे इवेंट्स होने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग जगह बना रखी है इन्होंने। तो जैसे पब्लिक इवेंट्स होते हैं, डीजे नाइट होनी है या कोई भी और इवेंट हो, कॉलेज फेस्ट हो, तो ऑलमोस्ट वो यहाँ पे ही होते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप एज टूरिस्ट आ रहे हो तो आप यहाँ पे साइकिल वगैरह रेंट पे ले सकते हो, यहाँ पे आपको दोनों तरह की साइकिल मिल जाएगी, एक नॉर्मल साइकिल होती है या आपने इलेक्ट्रिक साइकिल लेनी है वो भी आपको यहाँ पर रेंट पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे काफ़ी आसपास होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, क्लब, बार वगैरह, क्योंकि सिटी आ गई है ना, यहाँ पे आपको बार तो डेफिनेटली ही मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे बच्चों के साथ आ रखे हो, पूरी फैमिली के साथ आ रखे हो, तो यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता पूरे एडिलेड में कहीं पे और भी ऐसी जगह है जहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट यहाँ पर है और ये सिटी के सेंटर में आता है। आप अगर होटल में यहाँ पे रूम वगैरह लेते हो तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्लब बार वगैरह जाने में, मोर ओवर बोटिंग वगैरह यहाँ पे है। जो सामने दिख रहा है ये ही एडिलेड ओवल है, और यहाँ पे आप बोटिंग देख सकते हो कि यहाँ पे इजीली बोटिंग कर सकते हो, यहाँ पे बोटिंग की भी वैरायटी मिलेगी आपको, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपना ये है कि नॉर्मल शेड्यूल होता है, लाइक सुबह जॉगिंग करना, वर्कआउट करना, या घूमने के लिए या टाइम पास करने के लिए ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। तो आप यहाँ पर आके काफ़ी लोग देख सकते हो कि अपना वर्कआउट कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, और स्पेशली आप यहाँ पे समर्स में आ रहे हो तो नेवर फॉरगेट टू ब्रिंग योर सनस्क्रीन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आप भून जाओगे। तो यहाँ पे अभी तो धूप नहीं है क्योंकि मई आ गया है, यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो गई है, और पर फिर भी यहाँ पे ये होता है कि मई के टाइम पे यहाँ पे कभी धूप और कभी बारिश होती रहती है, मौसम का कुछ भी यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे वेदर काफ़ी जल्दी चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से अपना सारा जुगाड़ करके आओ, अपने बैग में डोरेमोन की तरह सब कुछ लेके आओ। अगर अम्ब्रेला चाहिए तो अम्ब्रेला यूज़ कर लो, सनस्क्रीन चाहिए तो सनस्क्रीन यूज़ कर लो, पर जब भी बीच पे जाओ तो सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाओ। ये मत देखो कि
यहाँ पर बादल हो रखे हैं या नहीं हो रखे, क्योंकि जब आप घर पे आओगे ना आपकी बॉडी पेन होने लग जाएगी और पूरे बॉडी पे रैशेस पड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे यूवी रेस इंडेक्स काफ़ी हाई है। आपको याद है जैसे बचपन में हम बोट्स बनाते थे वो पेपर बोट, वैसे ही इन्होंने ये बना के यहाँ पे छोड़ रखी है, तो काइंड ऑफ ये पेपर बोट ही है और दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और वैसे ही छोड़ रखी है, हवा से ये इधर उधर चलती रहती है। जहाँ मैं अभी हूँ ये एडिलेड ब्रिज है और ये दो उसको एडिलेड सिटी को और जो दूसरे यहाँ पे सबर्ब्स आते हैं उनको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे एडिलेड ब्रिज पे आपको काफ़ी भीड़ मिल सकती है अगर कोई इवेंट होता हो यहाँ पे सिटी में, और सामसी को यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पे आप सामने देख सकते हो तो वहाँ से सिटी स्टार्ट हो जाती है। पर अगर आप यहाँ पे आते हो मेरे पीछे से आपको यहाँ पे काफ़ी चर्च वगैरह या सबर्ब्स वगैरह आगे तो वो मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप सीधा जाओगे तो सिटी में जाओगे और यहाँ से बाहर जाओगे तो सिटी के बाहर जाओगे। यहाँ पे आपको सारे सबर्ब्स वगैरह या माउंटेन्स वगैरह ऐसी लोकेशन मिल जाएगी, पर सिटी में जाने तो आपको कहाँ जाना है, पीछे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बोटिंग वगैरह के लिए दे रखा है और अलग अलग टाइप की बोट्स है और एक बारबेक्यू बोट भी है, मतलब नाम सा नया है, पर इसमें ये होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ आओगे, इसको बुक करोगे और इस पे बैठ के अपना बारबेक्यू करके खा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मिल जाएगी और यही फ़ायदे हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बंदिश है, आप कभी भी आओ और यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। सो ये बोट है जिसके बारे में बात कर रहा था, इन्हें बारबेक्यू बोट कहते हैं। इनका ऊपर से वो खुल जाता है, छतरी सी है और ये पानी पे तैरती रहती है। ये पानी की इतनी यहाँ पे गहराई नहीं है, पर उतर मत जाना इसमें दलदल सा है काफ़ी, पर क्योंकि यहाँ पे बोट्स वगैरह खड़ी करी जाती है इसलिए यहाँ पे इतनी गहराई नहीं है। पर अंदर जाओगे तो ये प्रॉपर काफ़ी तेज़ बहने वाली रिवर है और तो इसमें ना ही जाना, और जाओगे तो बोट में ही जाना बारबेक्यू करते हुए, ठीक है। तो अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर ये ओपन हो तो मैं डेफिनेटली आऊँगा यहाँ पर, और चलो चलते हैं। यहाँ पे मुझे सुखना लेक वाली फीलिंग आ जाती है जब भी मैं बोट वगैरह देखता हूँ ना। तो मैं वैसे चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं, 35 सेक्टर में रहता था अब ऑस्ट्रेलिया में आ गया हूँ। तो ये प्राइजेस दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, तो ये है एडिलेड का सुखना लेक और रोज़ गार्डन का कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे आप दोनों के मज़े ले सकते हो एडिलेड में आके। अगर आपने चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन नहीं देख रखा या आपने वो क्या कहते हैं सुखना लेक नहीं देख रखा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी रोज़ की वैरायटीज़ भी मिल जाएगी और फाउंटेन भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे सब है, तो ठीक है। और सामने स्टेडियम है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे और बार क्लब्स वगैरह। रात को नाइट लाइफ यहाँ की अच्छी है, बुरी नहीं है यार, इतना नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पे करने को, पर कंपैरेटिवली सिडनी के तो कर नहीं सकते इसको कंपेयर, क्योंकि सिडनी में तो काफ़ी कुछ होता है रात को, तो वो हम कवर करेंगे धीरे धीरे क्योंकि अभी इतना हाइक नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे कवर करेंगे, सब चीज़ें दिखाऊँगा मैं। और मेरा प्लान है कि मैं स्ट्रिप बार को कवर करूँ, पर अभी ये है कि कोरोना के कारण अभी काफ़ी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस है, काफ़ी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते अभी, तो चेक करना पड़ेगा मुझे सर्विसेज के बारे में, तो उसको हम कवर तो करेंगे क्योंकि यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। क्रेजी हॉर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्रेजी हॉर्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, उसके बारे में आप काफ़ी चीज़ें जान जाओगे कि वो कैसी लोकेशन है और वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जो मुझे लगी कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए। और यार देखो, अगर आप इस टाइम एज में नहीं करोगे कुछ भी, ऐसी जगह नहीं जाओगे, तो बुढ़ापे में तो जाने का कोई रेलिवेंस बनता नहीं है, ठीक है। और ये मौके बार बार नहीं आते, तो जब भी आप कहीं जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, तो वहाँ पे जाके घुल मिल जाओ और साथ के साथ वहाँ का जो कल्चर है उसको एब्जॉर्ब करो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि इंडिया में जाने के बाद भी आप ऐसी बातें करने लग जाओ तो ठीक है, चलो फिर चलते आगे।
ये है हमारा एडिलेड कन्वेंशन सेंटर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप एडिलेड कन्वेंशन सेंटर आते हो या एडिलेड ओवल आते हो तो आपको पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पीछे बिल्कुल पार्किंग की स्पेस है, यहाँ पे कार इजीली पार्क हो जाती है और आप यहाँ पे करके अपनी कार पार्क कर सकते हो और फिर जा सकते हो यहाँ पे एडिलेड कन्वेंशन सेंटर या एडिलेड ओवल, या आपने यहाँ पे रंडल मॉल जाना है या कोई और स्ट्रीट पे जाना है, करी स्ट्रीट वगैरह सब यहीं पे ही है, क्योंकि ये बिल्कुल सिटी के सेंटर में आता है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो चलो चलते रहते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। मेरे पीछे जैसे कि आपने देख लिया एडिलेड कन्वेंशन सेंटर, और इसके आगे जाके काफ़ी बिल्डिंग्स है वो भी फेस्टिवल से रिलेटेड है, वहाँ पे भी इवेंट्स होते रहते हैं। तो जो अभी हम लोकेशन पे है ये एडिलेड कन्वेंशन सेंटर के तरफ जा रहे हैं हम, तो यहाँ से स्टेयर्स आएगी आगे से, तो यहाँ पे जाके ऊपर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। अंदर जाओगे तो कोई इवेंट हो रहा है तो आपको हॉल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडिलेड कन्वेंशन सेंटर में काफ़ी बैंकेट्स है। और अगर आपको आपके लोकेशन के फ्लोर के बारे में नहीं पता तो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, तो ठीक है, जो भी आपका इवेंट हो रहा है उसका टाइम, वो कौन से फ्लोर पे हो रहा है और वो कब होगा, ये सारी चीज़ें वेन्यू और टाइम वगैरह के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, ऐसे मत आ जाना यहाँ पर। So now I'm going to show you the front side of Adelaide Convention Center. तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मसलिन बीच। मसलिन इज अ न्यूड बीच ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। और प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।